A very good morning to all of you. Good morning. कैसे हो सब? अच्छे हो? Okay. So first we will start with our short prayer. Join your hands, close your eyes. Om Bhurbhuvasvah Tat Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat Achyutam Keshavam कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम नाउ ओपन योर आईज वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हम क्या करने वाले हैं वर्कशीट सॉल्यूशन है ना वर्कशीट हमने भेज दी थी यहाँ से आई होप आप सबने ले भी ली होगी और सॉल्व भी कर ली होगी नहीं करी है तो कोई बात नहीं ये वीडियो देखने के बाद कर लेना है ना वर्कशीट आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा नहीं करोगे तो फिर एग्जाम का पैटर्न भी तो यही है फिर आपको समझ में कैसे आएगा कि एग्जाम में क्या करना है राइट एग्जाम में इसी टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो वर्कशीट में है इसके अलावा एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन आपको एक रफली आइडिया इसमें दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ठीक है सो अच्छे से वर्कशीट सॉल्यूशन कर लेना सॉल्व कर लेना वर्कशीट ताकि आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए ठीक है सो हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं कौन से सब्जेक्ट की इंग्लिश की तो हम स्टार्ट करते हैं ये देखिए ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मैच कैपिटल लेटर विद कैपिटल कर्सिव लेटर तो यहाँ पे कर्सिव भी दिया हुआ है और कैपिटल लेटर्स भी दिए हुए हैं तो उसको उससे मिलाना है ठीक है तो फर्स्ट है यू तो यहाँ पे कहाँ आपको यू दिख रहा है ये है नहीं ये है यस तो उस यू को कैपिटल यू से कर्सिव को कैपिटल यू से आपको मिला देना है नेक्स्ट है वी तो यहाँ फाइंड आउट करो वी कहाँ दिख रहा है आपको ये रहा तो नेक्स्ट को अपन ने मिलाया वी से फिर क्या लिखा है ये डब्ल्यू तो यहाँ से चेक करो डब्ल्यू कहाँ पे है ये रहा सो आपको उसको उस वाले डब्ल्यू के साथ मैच कर देना है फिर कौन सा है एक्स वेरी गुड ये देखो फर्स्ट में ही एक्स है ओके फिर कौन सा है वाई तो कहाँ दिख रहा है ये रहा वाई तो वाई तो एकदम उसके जस्ट सामने ही है फिर है जेड तो ये देखो लास्ट में जेड दिया हुआ है ठीक है फिर एम तो कहाँ पे है एम कहाँ दिख रहा है ये रहा तो ये M पे मिला दिया फिर N तो N कहाँ है ये रहा है ना उसके बाद T तो देखो वो सेकेंड नंबर पे T दिख रहा है यस फिर F तो ये रहा F ऐसे करके आपको सारे कर्सिव लेटर को उनके कैपिटल लेटर्स के साथ मैच करना है ओके फिर अपन पेज टर्न करके देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमको क्या पूछा है तो सेकंड क्वेश्चन क्या है
मैच द पिक्चर विद करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड के साथ पिक्चर को मैच करो। ठीक है, तो सबसे पहला पिक्चर किसका है? मेरे भी यहाँ पे बहुत ब्लर आ रहा है तो मुझे दिख नहीं रहा है किसका पिक्चर है। वो मैप है, यस। तो यहाँ पे अपन को मैप ढूंढना है, एम ए पी मैप, ये रहा एम ए पी मैप, तो उसको एम ए पी मैप से ज्वाइन कर देना है ना। फिर सेकंड पिक्चर किसका है? यस, बस का, बी यू एस, बस, नहीं बस नहीं है, वैन है, सॉरी, वी ए एन, वैन, ये रहा वी ए एन, वैन, ओके। फिर थर्ड पिक्चर किसका है? फैन का, एफ ए एन, फैन, देखो फर्स्ट में लिखा है एफ ए एन, फैन। फिर बी ए टी, बैट, तो ये रहा बी ए टी, बैट। फिर टी ए पी, टैप, तो ये रहा टी ए पी, टैप। और यहाँ से देखते हैं सबसे ऊपर किसका पिक्चर है? पी ए डी, पैड, तो ये रहा पी ए डी, पैड, उसको वहां पे मिलाओ। फिर सेकंड पिक्चर किसका है? डी ए डी, डैड का, तो उसको, क्योंकि डैड अपने बेबी को लेके खड़े हैं, राइट, तो वो डैड का पिक्चर है। फिर बैग, बी ए जी, बैग। फिर ये किसका है? यस, वेरी गुड, जैम, जे ए एम, जैम। फिर ये कौन है? एक मोटा सा लड़का है, तो एफ ए टी, फैट, हो गया। तो इसमें क्या करना था? पिक्चर्स को उसके वर्ड के साथ मिलाना है। फर्स्ट पिक्चर था मैप का, एम ए पी मैप। सेकेंड था वैन का, वी ए एन, वैन। थर्ड था एफ ए एन, फैन। फिर फोर्थ था बी ए टी, बैट। ये था टी ए पी, टैप। पी ए डी, पैड। डी ए डी, डैड। बी ए जी, बैग। जे ए एम, जैम। और एफ ए टी, फैट। ये सारे पिक्चर्स को हमने उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ मैच कर लिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट लेटर। अभी यहाँ पे जो जो लेटर्स मिसिंग है वो पिक्चर देख के हमको फाइंड आउट करना है कि ये कौन कौन से लेटर्स हैं। फर्स्ट पिक्चर किसका है? हैन का, तो हैन की स्पेलिंग क्या होती है? एच ई एन, हैन, होती है ना, होती है कि नहीं? यस। फिर ये किसका पिक्चर है? बैग का, तो बी ए जी, बैग। यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। फिर ये किसका पिक्चर है? बॉय का, तो बी ओ वाई, बॉय। फिर ये किसका पिक्चर है? हैट का, तो एच ए टी, हैट। ये एंट का, तो ए एन टी, एंट। फिर सन का, तो सन की स्पेलिंग क्या होती है? एस यू एन, सन। फिर ये किसका पिक्चर है? आउल का, तो ओ डब्ल्यू एल, आउल। फिर टी ओ पी, टॉप, ये जो खेलने का आता है, गुल गुल घूमता है, उसको कहते हैं टॉप। फिर ये है एम यू जी, मग, क्या है? एम यू जी, मग, तो यहाँ पे आएगा जी। तो फर्स्ट पिक्चर में आया एन, सेकंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में टी, फिफ्थ में ए, सिक्स्थ में यू, सेवन में ओ, एट्थ में भी ओ, और नाइन्थ में जी। वेरी गुड। अभी क्या है? लुक एट द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट कैपिटल कर्सिव लेटर। क्या करना है? कैपिटल कर्सिव लेटर हमको यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर किसका है? हैन का, तो हैन के लिए एच, तो एच कैसा होता है? ऐसे करके ऐसे लिखते हैं ना हम, यस। और जी में ऐसे करके ऐसे करते हैं ना हम, ऐसे करके ऐसे, यस, ये जी फॉर ग्रेप्स। और ये जेड इज फॉर जेब्रा। फिर ये सी इज फॉर कैट, राइट। फिर डी
ये हमने कैपिटल बुक का बी लिख दिया। लास्ट है एस इज फॉर सन, तो ये एस लिख दिया। ओके सो ये हमारी यहाँ पे वर्कशीट फिनिश हो गई। मैं आपको वापस से बता देती हूँ। फर्स्ट में था कैपिटल कर्सिव को कैपिटल लेटर्स के साथ मैच करना, सेकंड में था पिक्चर देख के उसके वर्ड को मैच करो, थर्ड में जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको लिखना था, फिर फोर्थ में पिक्चर देख के उसका कैपिटल कर्सिव लेटर, फर्स्ट कैपिटल कर्सिव लेटर हमको लिखना था। तो H इज फॉर हैंड, G इज फॉर ग्रेप्स, Z इज फॉर ज़ेब्रा, C इज फॉर कैट, D इज फॉर बुक और S इज फॉर सन। तो इस तरह से हमने हमारी इंग्लिश की पूरी वर्कशीट कंप्लीट कर ली। सो आप भी अपनी इंग्लिश की वर्कशीट कंप्लीट कर लेना, है ना, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए।